हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल मेरा नाम नीलम भाटिया है और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी वीडियोज़ में कुछ इरेगुलरिटी हुई बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल बट नाउ आई एम बैक एंड आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ क्लास टेंथ एन हम लोग कवर कर रहे हैं और आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर फोर्थ पे सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा आई नो आपको वेट करना पड़ा बट इट वॉज़ अनअवॉइडेबल वर ना डेफिनेटली वीडियोज़ आपके पास आते तो देखिए चैप्टर नंबर फोर्थ इज़ अबाउट जेंडर कास्ट डिज तो देखिए इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट प्रिलिम्स लेवल के क्वेश्चन भले ना मिले बट इसके फॉर्डो पॉइंट्स आपको मेन्स में बहुत काम आने वाले हैं और इसके कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी आपको आगे डिफिकल्ट uh, को समझने में मदद करेगी तो so, देखिये सबसे पहले चैप्टर ये लोग शुरू करते हैं बाई टेलिंग यू अबाउट जेंडर डिविजन्स तो आज तक जो आपने कॉमनली जेंडर डिविजन सुने होंगे दैट वुड बी मेल एंड

आप कहेंगे बायोलॉजिकल नहीं है मतलब ये बेस्ड है सोशल एक्सपेक्टेशन से ये बेस्ड है स्टीरोटाइप से याद करिए हम चैप्टर जो है क्लास सिक्स के चैप्टर्स में ये बात पढ़ के आए हैं कि वेन अ बॉय इज़ देयर उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस अटैच uh, की जाती हैं कि वो रोएगा नहीं इफ शी इज़ अ गर्ल तो ये ज्यूम किया जाता है कि वो खाना बनाना सीखे या शी शुड ड्रेसअप इन अ पर्टिकुलर वे हम इस जेंडर डिविजन की बात कर रहे हैं जो सोसाइटी बनाती है बाय बर्थ आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स असाइन होता है उसके बाद जो आप सोशल जिस सराउंडिंग में आप ग्रो करते हैं आप कौन से ट्रेड्स एक्वायर करते हैं आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस अटैच की जाती हैं और क्या स्टीरोटाइप जुड़ जाते हैं वो आपके रोल्स डिवाइड कर डिसाइड करता है सोसाइटी में और इससे ही कही कहीं ना कहीं जेंडर डिविजन आता है अब इसको हम ऐसे समझते हैं देखिए नाउ इफ़ यू लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स अगेन बात रिपीट की गई है इट इज़ बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क हम ये देखते आप आसपास देखते हुए आए हैं इसी के साथ हम बड़े हुए हैं बच्चे पालना उनकी मेजर जिम्मेदारी है ये है सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर जब आपने ये देखिए कहीं भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि औरतें बच्चों का ध्यान ज्यादा अच्छे से रख सकती हैं एप्सोल्यूटली नॉट सिर्फ जन्म दिया इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू नो द वुमन वुड बी एबल टू टेक केयर बेटर नो बट हमने क्या किया हमने काम को डिवाइड कर दिया किसके बेसिस पे सेक्स के बेसिस पे एंड दिस इज अ प्रॉब्लम आप ये टर्म भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर ना ऑफकोर्स मोस्ट फैमिलीज बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट फैमिलीज में ऐसा होता है बट वी आर टॉकउ मोस्ट फैमिलीज ना वुमेन यू वुड सी वुड डू ऑल द वर्क इन साइड खाना बनाना साफ सफाई करना कपड़े धोना टेलरिंग लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन एंड यू वुड सी मैन वुड गो एंड वर्क आउटसाइड ना ऑफकोर्स विद द चेंजिंग टाइम्स ये डायनेमिक्स बदल रही है बट ये हंड्रेड परसेंट बदली जा चुकी है ऐसा हम नहीं कर सकते अब देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है शी इज स्टेइंग बैक होम एंड वर्किंग और ही इज गोइंग आउट एंड वर्किंग इट इज नॉट बेस्ड ऑन चॉइस अगर ये चॉइस पे बेस्ड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ आई वॉन्ट टू स्टे होम दैट्स ओके इफ हीस टू स्टे होम दैट्स ओके बट यहाँ पर बात है सोसाइटी द्वारा इम्पोज जीरो टाइप्स की इट्स नॉट अबाउट चॉइस दूसरी प्रॉब्लम देखिए क्या है कि जो घर के काम है ये पेड नहीं है मैन जो बाहर काम कर रहे हैं दैट वर्क इज पेड राइट अगर इफ यू सी मैन वर्क आउटसाइड एज टेलर कोक्स दे राइट बट विमेन हुआ वर्किंग इन साइड दे आर नॉट पेड फॉर द थिंग्स दैट दे डू फिर चाहे वो uh, विलेज में पानी लाना हो फायर uh, वुड लेकर आना हो अर्बन एरियाज में यू नो यू आर यू मे बी वर्किंग एट योर हाउसेज एंड ऑल दैट बट इफ यू लोकेटेड यही काम जब बाहर जाता है इट बिकम्स पेड तो यहाँ पर पेड वर्क की भी प्रॉब्लम है पर कई बार डिबेट हुई है कि शायद विमेन डोंट गेट द रिकोगेशन दैट दे डिज़र्व इज बिकॉज दे डू नॉट रिसीव पे फॉर द सेम ये वर्क पेड नहीं होता दैट इज़ पर हैप्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम और इसीलिए कई डिबेट्स भी चली थी कि क्या हमें वी शुड हैव सम मिनिमम यू नो पे स्ट्रक्चर फॉर वुमेन हुआ वर्किंग एट होम और हमने इस पर पहले के एन सी आर टीज में बात भी की है और आपने अपने ओपिनियंस भी वहाँ शेयर किए थे कि ऐसा करने के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें यह समझना पड़ेगा कि जब आप विमेन के साथ ऐसे आइडियाज एसोसिएट कर देते हैं तो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है ये डिविजन कन्वर्ट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन में क्योंकि आप घर में हैं क्योंकि आपकी पब्लिक लाइफ लिमिटेड है तो फिर आप पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओनली मैन शुड पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स बहुत लंबे समय तक तो कई देशों में राइट टू वोट भी नहीं था यू कुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन ऑल्सो तो अब जो है विमेन मूवमेंट्स जितने भी पूरी दुनिया में चल रहे हैं पिछले पंद्रह बीस साल से वो एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं सबसे पहले ऑफकोर्स वोटिंग राइट्स टू वीमेन जो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में एक्सटेंड कर दिया गया और जहाँ नहीं है वहाँ बात चल रही है पर इसके साथ साथ एक और बात चल रही है कि जो पोलिटिकल और लीगल स्टेटस है औरतों का जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए जितने भी रेडिकल विमेन मूवमेंट्स हैं उनका यही कहना है कि जो इक्वालिटी है पर्सनल और फैमिली लाइफ में वो तभी आएगी जब वो पब्लिक लाइफ में आती है बिकॉज देखिए अभी क्या प्रॉब्लम है इक्वालिटी ना तो पर्सनल स्पेसेस में मिल रही है और ना ही पब्लिक स्पेसेस में मिल रही है सो वंस यू अचीव इट इन पब्लिक स्पेसेस ओनली देन यू कैन अचीव इट इन पर्सनल स्पेसेस ऐसा कई स्कॉलर्स का मानना है आप मुझे बताइएगा डू यू फील द सेम नो ऑफकोर्स फेमिनिज्म यहाँ पर बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है बहुत लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या है कई लोग इसे गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं कई लोग गलत तरह से कोट करते हैं पहली बात फेमुनिस्ट एक औरत हुई ज़रूरी नहीं है बहुत क्लियर कर दिया आपको एनसीआर ने आई आई मस्ट अप्रिशिएट अ वुमन और अ मैन यू कैन बी अ वुमन यू कैन बी अ मैन और सिर्फ आपको किस में बिलीव करना है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन यहाँ ये यह नहीं बोला जा रहा दैट वुमेन आर सुपीरियर टू मैन नहीं यहाँ पर बात की जा रही है इक्वालिटी की तो फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है यू कैन बी अ वूमन यू कैन बी अ मैन आपका बिलीव क्या होना चाहिए यू बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैंने बड़े इंटरेस्टिंगली एक आइडल वुमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई है देखिए सोसाइटी जो परसीव करती है फैशन इंडस्ट्री टू द सोसाइटी टू द परसपेक्टिव इन लॉज टू द एम्प्लॉयर एंड द मेल एम्प्लॉयज़ तो ये स्टीरियोटाइप्स तोड़े जाने की ज़रूरत है और देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो स्कैन कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्वीडन नॉर्वे एंड फिनलैंड यहाँ पर आप देखेंगे विमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत हाई है और वो पर्सनल स्पेसेस में इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट करता है हम देखते हैं आज भी विमेन इन इंडिया आर नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव इन पब्लिक स्पेसेस छोटी छोटी बातों में देखता है जो आपके पास शादी का कार्ड आता है इट इज़ बाय द नेम ऑफ द फादर बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियारकल सोसाइटी और पेट्रियॉर्कल सोसाइटी क्या 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 समझती है हेड ऑफ द फैमिली शुड बी अ पेट्रियॉर्क या फिर हेड ऑफ द फैमिली मैन इसीलिए आपके जो शादी के कार्ड जाते हैं उस पर किसका नाम लिखा होता है आपके घर के जो बड़े आदमी हैं उनका ना इफ यू एट सम डेटा जो आप कोड भी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो आई जस्ट गिव यू द लेटेस्ट डेटा तो टू थाउजेंड इलेवन की अगर हम सेंसिस की बात करें जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो है सेवेंटी फोर परसेंट ठीक है लेकिन अगर हम मेन वुमेन डिस्टिंगशन देखें तो मेन लिटरेसी रेट है ट्वेंटी एट पॉइंट वन परसेंट और वुमेन लिटरेसी रेट है सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट अब आप खुद ही देख लीजिए कि लिटरेसी रेट में कितना डिफरेंस हमें नजर आ रहा है अगेन शोज कि ऑफकोर्स एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन एम्पावरमेंट से है तो अगर एजुकेशन ही नहीं मिल रही तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन वेरियस वेस ड्रॉप आउट रेट्स आप देख लीजिए ड्रॉप आउट रेट कैसे निकालते हैं देखिए जितने लोग यू विल सी कि कितने लोगों ने स्कूल छोड़ दिया ड्रॉप आउट किया डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने एनरोल किया था इसके जब आप परसेंटेज निकालते तो आपके पास ड्रॉप आउट रेट आती है एंड यू वुड ऑलवेज सी दैट द ड्रॉप आउट रेट अमंगस्ट विमेन और गर्ल चाइल्ड वुड बी मोर देन सिंपली बिकॉज या तो उनकी शादी करा दी जाएगी या यंगर जो सिबलिंग्स हैं उनके ध्यान रखने में उनको इंगेज कर दिया जाएगा मोर ऑफन देन नॉट ड्रॉप आउट रेट्स गर्ल चाइल्ड में ज्यादा होती है इज़ डेफिनेटली नॉट वेरी अप्रिशिएबल एंड आप देख लीजिए वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड एंडल्यूड जॉब अभी भी है है टॉप पोजिशन हैरारकी में आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको कम दिखता जाएगा द बॉस लेवल यू वुड सी वेरी वेरी फ्यू वुमेन एंड देन ऑफकोर्स मच ऑफ अ वर्क इज नॉट पेड और इसीलिए उसके साथ वैल्यू नहीं होती है very, 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 very important. Please याद रखिएगा कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि सेम वर्क मैन एंड वेमेन आर पेड डिफरेंटली और इसी के लिए हमारे पास एक एक्ट है द इक्वल रेमेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्स और इसमें क्लियरली लिखा है आप नहीं कर सकते बाई द वे डीपीएसपी है

एज ग्रुप uh, लिया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो अब यहाँ भी आप देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप कंट्री का चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी नाइन नाइनटीन दैट इज ओनली नाइन हंड्रेड एंड नाइनटीन गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज ये अगेन क्यों हो रहा है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से फीमेल फीटिसाइड फीमेल इन्फैंटिसाइड फीटिसाइड मतलब जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया है तभी फीटिस को मार देना और जब पैदा हो गया है इन्फेंट है तब मार देना दैट इज कॉल्ड फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड दोनों ही देखी जाती है आज भी कई इलीगली ऑपरेटेड क्लिनिक्स भारत में काम कर रही हैं एंड इट इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि आज भी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं और देखिए बताया गया है कि कई स्टेट्स में तो ये रेशो 800 से भी कम है किसका चाइल्ड सेक्स रेशियो का इसके लिए अलावा अगेन वेमेन फेस हेरसमेंट एक्सप्लाइटेशन वायलेंस ये तो कॉमन है आप अखबार खोल के देखिए एंड यू वुड नो वट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हेरसमेंट एंड वायलेंस वुमेन फेस देखिए एन सी आर टी मीन एन सी आर टी आई लव हाउ दे हैव कोटेड अबाउट द आइडिया ऑफ टाइम यूज देखिए अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यूज पेपर्स ने ये कॉन्सेप्ट कवर किया था एंड एन सी आर टी इज गिव टीचिंग इट टू क्लास टेन स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया टाइम यूज़ सर्वे टाइम यूज सर्वे बेसिकली बताया गया कि जो एक एवरेज वूमन है वो कितना काम करती है एक दिन में सेवन एंड हाफ वर्क आज बताया गया है और एक जो आदमी है वर्क फॉर सिक्स एंड एंड हाफ आवर्स और देखिए किस तरीके के काम यहाँ पर बताए गए हैं इनकम जनरेटिंग वर्क सिक्स विमिन टू टू आवर्स फोर्टी मिनट्स हाउस होल्ड में थर्टी मिनट्स फाइव आवर्स यू कैट दिस डिफरेंस ये डिफरेंस देखिएगा टॉकिंग इन गॉसिप वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी नो लेजर अगैन दिस इज़ वन डेटा दैट इज गिवेन एंड सेल्फ केयर रीडिंग एट्सेट्रा ना यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी विच इज़ कॉल्ड टाइम पॉवर्टी और आप प्लीज इसे अपने आंसर्स में कोट करिएगा दैट वेरी 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 गुड बेसिकली टाइम पॉवर्टी का मतलब होता है जब आपके पास लेजर और रेस्ट के लिए टाइम नहीं बचता बिकॉज मोस्ट ऑफ योर डे गोज इन वर्क एंड द रिमेनिंग वन गोज इन डोमेस्टिक वर्क विमेन टूडे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ टाइम पॉवर्टी ऑफकोर्स हम सब टाइम पॉवर्टी फेस कर रहे करें मैन वूमे जेंडर बट वुमेन स्पेसिफिकली इन इंडिया फेस अ लॉट ऑफ टाइम पॉवर्टी जिनका जिसका इम्पैक्ट उनकी फिजिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ दोनों पर होता है सो डू राइट अबाउट टाइम पॉवर्टी यू आर राइटिंग क्योंकि देखिए जेंडर इशूज़ से रिलेटेड कई बार आपसे कई सवाल पूछते हैं जब भी आपसे जेंडर इशूज़ से रिलेटेड कोई सवाल पूछे यू शुड राइट अबाउट टाइम पॉवर्टी आस्पेक्ट ना हम आ जाते हैं उस बात में जहाँ से हमने कहानी ले जाने की कोशिश की थी कि अब ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब तक औरतें पावर डायनमिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तब तक उनके मुद्दों को एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगी तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि उनको आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाओ मोर एंड मोर वुमेन शुड पार्टिसिपेट एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन पॉलिटिक्स अब जैसे आप देख लीजिए इफ यू लुक एट द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा तो 14.36% है मिनस्कुला आधी आबादी है 50% वोट देते हैं देश में बट इट इज 14.36% और स्टेट असेंबलीज़ में तो ये बहुत कम है और आप कैबिनेट का स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए तो भी आपको कहानी क्लियर हो जाएगी पर ऐसा नहीं कि इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल इन इट इंडिया इज़ बिहाइंड वेरियस कंट्रीज इन दिस इफ यू लुक लुकेट इट द वर्ल्ड एवरेज इज ट्वेंटी फोर परसेंट तो वर्ल्ड का एवरेज भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट तो इंडिया परफॉर्म वेरी वेरी लो हियर तो हमें विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने की डेफिनेटली ज़रूरत है एंड स्पेसिफिकली किस तरीके से किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है हमने देखा जो पंचायती राज सिस्टम है हम बहुत बार पढ़ के आए हैं जो वन थर्ड सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ में वो रिजर्व है विमेन के लिए और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट वहाँ काम करते हैं पर फिर भी इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एट द सेम टाइम गांव या फिर जो म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट में भी इसका रिजल्ट देखा गया है तो क्या ऐसा कर दिया जाए कि कुछ लीगल ऑब्लिगेशन कर दी जाए जैसे कि हमने देखा कि वन थर्ड सीट्स रिजर्व कर दी तो क्या हुआ दे हैड टू फील विमेन कैंडिडेट्स और इसके लिए भारत में एक बिल पेंडिंग भी है वी हैव अ बिल पेंडिंग राइट इट्स नॉट दैट इट हैज़ नॉट एवर बीन टॉक्ड अबाउट वन जीरो एट्थ अमेन्डमेंट लगभग पच्चीस प्लस साल से पेंडिंग है ऑल वन हंड्रेड एंड एथ अमेंडमेंट बिल बट इट इज़ नॉट फास्ट इसमें यही बात की जा रही है कि जो वुमेन है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए

जब विमेन विल कम टू पोजिशन्स ऑफ पार या विमेन विल यू नो गिव देयर ओपिनियंस आउटसाइड या वो कुछ सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स ज्वाइन करेंगे तो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स और सिर्फ रिजर्वेशन दे देने से ये एस्पेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज रिमेंबर हमें दोनों स्पेसेस में इक्वालिटी लानी है पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी ना अगेन कमिंग बैक क्या डिविजन सिर्फ जेंडर पे बेस्ड है स्पेसिफिकली इंडिया में अब हम देखेंगे रिलीजियस डिफरेंसेस धर्म के आधार पर किस तरीके के डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं और वो पॉलिटिक्स में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं पॉलिटिक्स में किस तरह से नज़र आते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे ना इस कोई इट इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हमारे यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत सारा जो है डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलता है को पॉसिबल है ये प्रूवन है प्रॉब्लम कहाँ आ जाती जब जेंडर जब रिलीजियस डिविजन्स है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं पहले कुछ पॉइंटर्स देखते हैं एनसीआर हमें क्या बता रहे हैं गांधी जी के बारे में बताया गया आप इसे कोट भी कर सकते हैं गांधी जी यूज टू तो से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स अब रिलीजन से उनका ये मतलब नहीं था कि पर्टिकुलर रिलीजन की हिंदुज्म पॉलिटिक्स में होना चाहिए या इस्लाम पॉलिटिक्स में होना चाहिए उनका ये कहना था रिलीजन जो हमें मॉरल वैल्यूज सिखाती है जो हमें वैल्यूज uh, देती है रिलीजन के जो बेसिक आस्पेक्ट्स हैं जैसे नॉन वायलेंस जैसे लव केयर ये बहुत बड़ा पार्ट होने पॉलिटिक्स का बिकॉज गांधी जी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स तो यहाँ जब वो ये कहते हैं कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते और कर देते हैं तो वो खोखली हो जाएगी उनका तो मतलब ये था कि जो पोलिटिशन्स हैं दे शुड बी गाइडेड बाई द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन बट ट्रू एथिक्स नॉट शैलो एथिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप हमारे कंट्री वो बहुत समय से आर्ग्यू कर प्रूव हुआ है कि ज्यादातर है कम्यूनल राइट फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी बताता है so, इसका मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटीज एम नॉट लॉस्ट लाइफ यहाँ पर सिर्फ एक आस्पेक्ट यहाँ बताया गया है दैट रिलीजियस माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स का लेने चाहिए देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें ये एन पढ़ाती है इफ़ यू रिमेंबर हमने सेक्युलरिज्म जब डिस्कस किया था मैंने आपसे कहा था कि इंडियन सेक्युलरिज्म का जो वेरिएंट है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन में बिलीव नहीं करता कि जी ये लो रिलीजन और जी ये लो पॉलिटिक्स और ये लो जो है ह्यूमन uh, लाइफ्स ऐसा नहीं है कि जो uh, सत्ता है जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती कर सकती है अगर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं टूवर्ड्स वीमेन

जब आप ये मानने लगते हैं कि रिलीजन वन के लोग एक क्लोज कम्युनिटी में हैं और यहाँ रहने वाले लोग ही आपस में बंधुता रख सकते हैं इनके बीच में सिर्फ सिमिलैरिटीज़ हैं कोई डिफरेंसेस नहीं हैं और अगर वो हैं तो वो ट्रिवियल uh, हैं उनका कोई मतलब नहीं है बहुत अलग हैं बाकी रिलीज ग्रुप से ऑल्सो जब आप ये मानने लगते हैं कि आपका रिलीजन एक्स वाई जेड रिलीजन से बेहतर है बड़ा है दैट क्रिएट्स कम्यूनलिज्म

हम इस तरह से अपना जो है रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस इससे बेहतर है इसमें यह प्रॉब्लम है जब आप ये डिमांड करने लगते हैं कि आपका ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप से बेहतर है और उसे डोमिनेट करना उसका धर्म है और उसका हक है दैट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लम तो देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिलीजन एक्सप्रेस हो पॉलिटिक्स में किस तरीके से होता है वो कम्युनल पॉलिटिक्स डिसाइड करती है वो ये डिसाइड करता है कि क्या देश में हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा या नहीं रहेगा अब देखिए हो सकता है आप रिलीजन वन को बिलोंग करते हो लेकिन आप इकोनॉमिक टर्म्स में पुअर हो रिलीजन वन में कोई और है जो इकोनॉमिक टर्म्स में रिच है सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके इफ़ यू रिलेट मोर टू समबडी यूज़ इन रिलीजन तो या फिर आप जो आइडियोलॉजी रखते हैं या जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो रिलीजन थ्री के ग्रुप से ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करते हैं सो इट एब्सोल्यूटली रॉन्ग टू से कि जो इंटरेस्ट हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप के वो सेम होंगे ये बिल्कुल बकवास बात है और यही जन्म देती है को। बोल दिया जाता है। अगर आपके बीच में कोई कॉमन है भी आर वन और आर टू के बीच में वो कोई मतलब की नहीं है आपके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगी और यही आगे जाके बहुत सारे केसेस में कम्युनल वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है आपके दिमाग में क्या आ जाता टू डोमिनेट द या तो आर वन हैजिनेट आर टू या आर टू हैजिनेट आर वन दैट इज वेर प्रॉब्लम क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर रिलीज ग्रुप में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट सेम हो एस्परेशन सेम हो कॉन्टेक्ट सम हो, सेम हो. हो सकता है आप रिलीजन वन में है लेकिन यू कनेक्ट मोर विद समीपल फ्रॉम रिलीजन थ्री दिस हैजू बी हर्ड दिस हैजू बी अंडरस्टूड अगर आपको कम्युनल को टैकल करना है अब देखेंगे कई बार ये जो कम्युनल मैनिफेस्टेशन है एक्सप्रेशन है ये इतना प्रेवलेंट है हमारे आसपास कि वी डोंट इवन नोटिस इट मोर ऑफन देन नॉट वी फेल टू नोटिस किस तरीके के जो है रिलीजियस प्रेज स्टीरियोटाइप्स वन बिलीफ बीइंग सुपीरियर टू द अदर ये प्रेजेंट है और आपके आसपास हो रहा है बट वी डोंट रियली नोटिस इट हैपनिंग ऑल्सो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब ये कम्यूनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या होता है ना वन पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप विल वॉन्ट टू डोमिनेट दी अदर्स अब इसी को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं याद करिए जो हम श्रीलंका के केस में पढ़ के आए थे कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो ये एज्यूम करने लगती है इस देश को चलाने वाले हम हैं एंड वी आर द वस वुल बी रूलिंग ओवर द अदर्स और एक मैनिफेस्टेशन और क्या हो सकता है कि पीपल बिलोंग टू माई

तो अब आप देखते हैं रिलीजन में कैसे ये पॉलिटिक्स uh, में कैसे जो है ये मैनिफेस्ट होता है कुछ रिलीज सिंबल्स का इस्तेमाल करना इमोशनली अपील करना टू द पीपल ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये बहुत कॉमन है टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ द वोटर्स आपको बोला जाएगा कि एक्स वाई जेड पार्टी इज अबाउट दिस रिलीजन उसकी जो है संप्रभुता को प्रिजर्व किया जाएगा इफ़ यू आर विद रिलीजन दिस कैन रियली टेक अगली फॉर्म्स ये बढ़कर राइट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है और हमारे जैसा Uh, देश तो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है बिकॉज वी हैव सीन कम्यूनल राइट एट द टाइम ऑफ पार्टिशन ब्लड शेड इतना ब्लड शेड के किसी के पास भी हिसाब नहीं है इतना ब्लड लॉस हुआ बहुत एट बहुत द प्लेस तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है उसके बाद भी हमने कई बार कम्यूनल वायलेंस के इंस्टेंट देखे हैं एंड वी हैव टू टेक अ लेसन एंड अंडरस्टैंड कि हमें ये चीज़ें तभी सॉल्व कर देनी चाहिए जब ये प्राइमरी स्टेज पर है अगर वहाँ से इसको फ्यूल किया जाएगा तो इट कैन लेटर रियरली कॉस्ट वेरी वेरी हैवी और एनसीआर टी ने हमें इसी के साथ साथ सेक्युलर स्टेट के बारे में भी बता दिया कम्युनलिज्मू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इसीलिए आज भी आप देखिए आपका जो यू पी एस सी का सिलेबस है उसमें कम्युनलिज्म एक टॉपिक है बिकॉज कम्युनलिज्मिस्ट और ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस को इस बात का आइडिया नहीं था बिल्कुल था इसीलिए तो उन्होंने सेक्युलर स्टेट का क्रिएशन किया और कहाँ कहाँ ये चीज़ हमें दिखती है याद करिए इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलिजन हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इफ़ यू गो टू श्रीलंका इट इज़ अ बुद्धिस्ट कंट्री इफ यू गो टू पाकिस्तान इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री बट इंडिया इंडिया एज अ स्टेट हैज़ नो रिलीजन और डेफिनेटली द लिविंग सिटीजन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन दैट दे वॉन्ट टू इनफैक्ट वो जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं उससे कोई दूसरा रिलीजन लेना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू डू दैट ऑल्सो एंड दे कैन ऑल्सो बी एन एथ ईस्ट जहाँ ये बोल सकते हैं कि वी डोंट वॉन्ट टू फॉलो एनी रिलीजन यही ट्रू सेक्युलरिज्म है

कि अगर कम्युनलिज्म है तो आर वन ग्रुप वुड बी अफेक्टेड या आर टू ग्रुप वुड बी अफेक्टेड इट वुड डेट इन द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया और इसीलिए कम्युनलिज्म को रोकना जरूरी है क्योंकि कम्युनलिज्म सिर्फ एक ग्रुप के लिए नुकसान नहीं पहुँचा इट इज़ हार्मफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग इन द कंट्री तो हमें अपने सेक्यूलर आस्पेक्ट को बनाए रखना जरूरी है कम्यूनल प्रेज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और वहीं रोक देना ज़रूरी है ताकि मास मोबिलाइजेशन लोग बहक न जाएँ एंड दे डोंट स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ओनली ऑन देयर इमोशनल वैल्यू इससे सिर्फ देश को नुकसान होने वाला है एंड डेफिनेटली पॉलिटिक्स से आप रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते नीदर पॉजिटिवली नॉन नेगेटिवली तो एज अटीजन यू हैव टू बी वेरी वेयरली अवेयर कि आप क्या चूज कर रहे हैं नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ हम बात करें कास्ट इन पॉलिटिक्स की देखिए इंडिया में कास्ट हर जगह है दर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट्स इट इज़ नॉट दैट ओनली हिंदुइज़म हैज़ कास्ट अक्रॉस रिलीजन आपको कास्ट देखने को मिलता है पर आप सामने अकेली ऐसी कंट्री होगी जहाँ हर धर्म में यू वुड सी कास्ट बैरियर्स अब ये जैसे जेंडर और रिलीजन है ये कास्ट डिविजन इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू इंडिया कि आप पूरे दुनिया में इस कास्ट डिविजन को उस तरह से नहीं देखेंगे जेंडर डिविजन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड ओवर है रिलीज डिस्क्रिमिनेशन भी वर्ल्ड ओवर है बट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू इंडिया अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कुछ तरीके की सोशल इनकोलॉलिटी एग्जिस्ट करती है दैट्स ओके बट ये सारी कहाँ शुरू कहाँ से हुई डिविजन ऑफ लेबर से जब ये डिसाइड किया गया कि एक्स वाई जेड लोग ए रिलीजन ए जो है ऑक्यूपेशन को जो है अडॉप्ट करेंगे ए बी सी लोग बी ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो गया प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बार बर था प्रॉब्लम ये थी कि ये बार बार के बच्चे को बार बार ही बनना था और धीरे धीरे ये कास्ट सिस्टम ने इतना एक्सट्रीम फॉर्म ले लिया कि एक सोशल कम्युनिटी ने अपने आप को इतना बांध लिया और कहा कि सिर्फ एक ही कास्ट में शादियां होंगी राइट एक ही कास्ट के लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे एंड पीपल वुड नॉट इवन अलाउड एंड अबाउट ये हायर कास्ट है ये लोअर कास्ट है देखिए क्वेश्चन ये है कि आज भी कास्ट सिस्टम क्या उतना ही रिजिड है जितना आज से सालों पहले हुआ करता था तो ऑफकोर्स नॉट कई पॉजिटिव चेंजेस आए देखिए इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो अर्बनाइजेशन की वजह से आया है आज अब आज अगर आप एक सिटी में हैं और एक रेस्टोरेंट में डाइन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ इन दैन हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जो है साथ में कौन खाना खा रहा है या स्ट्रीट पर कौन वॉक कर रहा है तो डेफिनेटली उस सेंस उस में हैव चेंज्ड एंड इफ इफ आई टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी तो वो भी बड़ी है तो अब ऐसा समय नहीं है जब हम ये कहेंगे कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा आज हम देखते हैं अक्रॉस्ट की इस पॉवर्टी को बीट करके कास्ट लिंकेजेस को ब्रीट करके लोग आगे बढ़े हैं और इसीलिए जो कास्ट हेरार की है ये धीरे धीरे बहुत अच्छी बात है कि टूट रही है क्योंकि इसके टूटने से ही हम सही मायने में भारत को जो आज़ादी की जो हमारी परिकल्पना थी वो देख पाएंगे सो so, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या चीज़ें बदल रही है? हैं डेफिनेटली एक ऑफ ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बदल रही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एनी anyway, वे जो है डिनाउंस करता है हम देख कर आए हैं हमारे पास इक्वालिटी है स्पेसिफिकली आर्टिकल सेवनटीन है जो अन बैन करता है देखिए एट द सेम टाइम सच ये भी है कि कास्ट पूरी तरीके से भारत से नहीं चला गया इवन इन ट्वेंटी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स के बाद भी अनटचबलिटी फॉलो होती है आज भी हम देखते हैं कि इंटर कास्ट मैरिजिज एक नॉर्म है एक रैर नहीं है आज भी लोग जब शादी की बात आती है तो दे लुक फॉर पीपल इन देयर कास्ट सो वट एम ट्राइंग टू टेल यू इज आप आज भी कास्ट को पूरी तरीके से नलिफाई नहीं कर पाए हैं एंड डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है और देखिए इसके लिए कुछ एविडेंसेस भी आपको एनसीआरटी बताता है देखिए दैट इज वाई देर इज अ डिस लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अपर मिडिल क्लासेस तो अगर आप एक कॉम्पोजिशन देखें तो आप ये पाएंगे कि जो अपर मिडिल क्लास है वहाँ पर आपको द सो कॉल्ड अपर क्लास ज्यादा दिखेंगे एंड डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेटस यानी पॉवर्टी इज़ लिंक्ड टू कास्ट सिस्टम अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है गरीब लोग आपको कास्ट में नहीं मिलेंगे बट इफ यू लुक एट द डेटा यू वुड अंडरस्टेंड कि जो कॉल्ड लोअर क्लासेज हैं कास्ट से वहाँ पर आपको इकोनॉमिक डिप्रवेशन भी देखने को मिलेगा और इसीलिए कास्ट को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बिकॉज देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है वो इसी आइडिया पर बेस्ड है कि ये मान लिया जाता है कि सिंस आप एक कास्ट को बिलोंग करते हैं आपके बिलीफ सिस्टम सेम होंगे आप एक नेचुरली सोशल कम्युनिटी हैं आपके इंटरेस्ट सेम होंगे और ये इंटरेस्ट आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते और इसी का फायदा पॉलिटिक्स में उठाया जाता है तो देखिए किस तरीके से पार्टीज़ क्या करती हैं दे वुड चूज कैंडिडेट इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे कि भाई इलेक्टोरेट देख लो कि जिस जगह पर आप इलेक्शन करा रहे हैं वहाँ पर मेजोरिटी कौन सी कास्ट डोमिनेट कर रही है यूजअली वॉट दार्टी वुड डू वहीं के कैंडिडेट को वहाँ पर फील्ड किया जाएगा ताकि वो उनके कास्ट को क्या कर सकें अपील कर सकें बिकॉज एट द एंड ऑफ दबाउट गेटिंग हम इस जो कॉलम है इस पर वापस आएंगे यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग डायनमिक्स हमें मिलेंगी पर पहले हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी कास्ट सेंटिमेंट पर अपील करते हैं आपने कई बार इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान देखा होगा कास्ट का इस्तेमाल करके डेफिनेटली वोट मांगे जाते हैं कभी कभी डायरेक्टली कभी कभी इनडायरेक्टली क्योंकि देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वन वोट वन सिस्ट वन पर्सन वन वोट है तो आपको किसी भी तरीके से वोट गार्नर करने और इसका एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है यू अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स कास्ट कास्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दीजिए कि देखिए एक्स वाई जेड कैंडिडेट है आपके कास्ट का आपके बारे में सोचेगा एक्स वाई जेड पार्टी है इस कास्ट को फेवर करती है

कास्ट के वोटर्स को अपील कर कर कभी भी जीत सकते तो ऑल दो वोट बैंक रियल है वोट बैंक पॉलिटिक्स भारत में बहुत चलती है बट एट द सेम टाइम सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेल कर कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक इलेक्शंस नहीं जीत सकती है देखिए ऐसा भी है ना अगर एक्स वाई जेड एरिया में ए बी सी कास्ट डोमिनेट कर रही है तो हर पार्टी चाहे वो, वो वन पार्टी है टू पार्टी है थ्री पार्टी है वो इसी कास्ट के लोगों को फील्ड करेगी तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगी ना अगर आप अपने पार्ट आप अपने कास्ट के लोगों को भी चुनना चाह रहे हैं तो आपके पास उसमें भी तीन ऑप्शन हैं तो देखिए यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है किसी ना किसी तरह आपको कास्ट रिलीजन इससे ऊपर उठकर एज एन इलेक्टोरेट फैसले लेने ही पड़ते हैं तो देखिए अगर ऐसा होता कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से इलेक्शंस जीते जाते तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि रूलिंग पार्टी इलेक्शंस हार जाती हम देखते हैं हमारे पास मोर ऑफन देन नॉट ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारती है सिटिंग एम पी एम एल एस इलेक्शन हारते हैं तो कास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट मैटर्स इन इलेक्शन जरूरी देखिए ये चैप्टर हमें कुछ इनसाइट दे रहा है चाहे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से ना आए आपको एक बहुत अच्छा लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है चैप्टर जो आपको समझना बहुत जरूरी है देखिए कई बार क्या होता है ना वोटर्स अटैच टू पोलिटिकल पार्टीज आपने कई बार अपनी फैमिलीज में भी देखा होगा भाई हम तो इसी पार्टी के सपोर्टर हैं सदियों से इसको ही सपोर्ट करता करते आए हैं वहां पर आप कास्ट नहीं देखेंगे मोर ऑफ एन द नॉट पीपल एसोसिएट दम सेल्फ विथ पार्टीज देन यू वुड ऑल्सो सी पीपल डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कौन से स्ट्राटा को वो बिलोंग करते हैं कौन से जेंडर को वो बिलोंग करते हैं तो वोटिंग पैटर्न सिर्फ कास्ट पे बेस्ड नहीं का हालांकि कास्ट एक बहुत बड़ा वोटिंग डिटर्मिनेंट है पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके अलावा भी बहुत सारे डिटरमिनेंट्स काम करते हैं और जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं गवर्नमेंटल स्कीम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ये सब भी उतना ही मैटर करने लगा है जितना कि बाकी सारी बातें और ये सब भी उतने ही डिसेसिव फैक्टर्स हो गए हैं जितने की बाकी सारी बातें सो दैट इज अ गुड चेंज एंड वी मस्ट अप्रीशिएटेड अब देखिए उस बॉक्स पे आपको वापस मैं ले आती हूँ तो तो वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कोट कर सकते हैं देखिए इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको बताया गया है कि किस तरीके की कास्ट इन आज भी एग्जिस्ट करती है और कैसे कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस बदला जरूर है पर आज भी आप ये देखेंगे ऑफकोर्स यू वुड सी वेरी रिच एंड वेरी पुअर पीपल हर कास्ट में राइट हाई कास्ट हो गया या लो uh, कास्ट हो गया सो कॉल्ड इन दैट सेंस पर देखिए नेशनल सैम्पल सर्वे की अगर हम बात माने तो जो एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस है ऑफ द कास्ट ग्रुप स्टिल फॉलोज द ओल्ड हेरार यानी कि जो अपर कास्ट है वो बेस्ट ऑफ है दलित्स और आदिवासीज़ वर्स्ट ऑफ है और ब्लैकवर्ड क्लासेस कहीं इन बिटवीन है सो तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं वेन यू राइटिंग समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा ऑफकोर्स एवरी कास्ट हैज सम पुअर मेम्बर्स द प्रोपोर्शन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ये ज़्यादा है किसमें लोअर कास्ट में तो प्रूफ करता है कि आज भी कास्ट का कनेक्शन किससे है इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है टू अ एक्सटेंड सो दिस इज समथिंग दैट आई थॉट आपको पता होना चाहिए आप इससे अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं या अपने ऐसे में मैंशन कर सकते हैं वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर ना देखिए डेफिनेटली कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिक्स में प्ले करती है पर हम देखेंगे पॉलिटिक्स कास्ट स्टूडेंट नहीं है एक्चुअली कास्ट को पोलिटिसाइज किया जाता है कास्ट का इस्तेमाल करके पोलिटिकल फायदे उठाए जाते हैं देखिए कैसे ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाई इनकॉपरेटिंग नेबरिंग कास्ट और सबकास्ट तो भैया हम इस कास्ट से हैं ये भी हमारे में आती है ताकि कम्युनिटी बड़ी हो जाए तो यू यूज पोलिटिकल टेक्निक्स और टैक्टिक्स इन कास्ट कभी कभी आप देखेंगे कि जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो किसी कोलेशन में आ जाते हैं ताकि अपना ग्रुप बड़ा कर लिया जाए अब जो नए तरीके के कास्ट ग्रुप हैं वो पोलिटिकल अरिना में अपने आप को बैकवर्ड फ्रंट या फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप के रूप में दिखाते हैं तो यू वुड सी आप जिस तरह से पोलिटिक्स में कास्ट को नहीं निकाल सकते उसी तरह से कास्ट ग्रुप्स में भी पोलिटिक्स पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है न वॉट इज द कंक्लूजन देखिए कास्ट डेफिनेटली बहुत सारे रोल पॉलिटिक्स में प्ले करती है हमें यहाँ ये यह समझना ज़रूरी है कि कौन रियल सेंस में डिसएडवांटेज ग्रुप्स के डिमांड को सामने लेकर आ रहा है और कौन इस्तेमाल कर रहा है इसका टू गेट पोलिटिकल गेन्स इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है अदरवाइज दे कैन बी बिग बिग प्रॉब्लम ये जो डिफरेंस है इसे समझना बहुत जरूरी है तो वॉट वी नीड टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस डेफिनेटली रिस्पेक्ट की जानी चाहिए उसके अलावा सोसाइटल चेंजेस बहुत जरूरी हैं अवेयरनेस बहुत जरूरी है एट द एंड ऑफ द डे देखिए डिस्टिंक्शन्स एग्जिस्ट करेंगी रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी जेंडर रोल्स एग्जिस्ट करेंगे कास्ट शायद उस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे जिस फॉर्म में सदियों पुराने uh, सालों से एग्जिस्ट कर रही है बट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए वरना हमें सिर्फ क्या मिलता है टेंशन कॉन्फ्लिक्ट और वर्स फॉर्म में वायलेंस तो दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर फोर आई होप यू एंजॉयड आपको कुछ चीजें समझ में आए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग